हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल संडे मीडिया में स्वागत है, जहां हम हर दफ़ा आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। तो इसी नएपन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे घर बैठे हैंडमेड सोप्स, यानी कि साबुन, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें जिससे आपको फ़ायदा हो। और उसके अलावा हम बताएंगे कि किस टेक्निक से आप इन सोप्स को बना सकते हैं। देखिए, सोप बनाने की दो टेक्निक होती है वैसे तो, एक कोल्ड प्रोसेस और एक हॉट प्रोसेस, मेल्ट एंड पोर सोप भी जिसे कहते हैं। तो हम आपको ईजी वाला प्रोसेस आज बताएंगे मेल्ट एंड पोर सोप्स का। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको या जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उससे हम आपको फैमिलियर करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो चाहिए होगा एक अच्छी क्वालिटी का सोप बेस। ये जो मेरे पास बेस है ये रेड वाइन सोप बेस है, यानी कि इस सोप बेस के अंदर ग्लिसरीन और रेड वाइन है। रेड वाइन अगेन इन अ पाउडर फॉर्म, नॉट द एल्कोहलिक फॉर्म, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप इसमें वेरियस पाउडर्स अगर मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं, लाइक आई हैव दिस रोज पाउडर, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, कस्तूरी हल्दी, ये आपका ऑरेंज पाउडर है, और ये है आपका नीम पाउडर। और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं जैसे टी ट्री एसेंशियल ऑयल। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इनका बहुत फ़ायदा होता है गाइस। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज़हिप एसेंशियल ऑयल, बहुत वैरायटी है एसेंशियल ऑयल्स की। उसके अलावा जो आपको चाहिए वो चाहिए एक स्टील का यूटेंसिल, जिसमें आप पानी डालेंगे जिसे आप बॉयल करेंगे लो हीट पे, टेम्परेचर पे, और इसमें जाएगा आपका कोई भी एक जार, ग्लास, इस तरीके की चीज़, लेकिन अगेन स्टील या फिर ग्लास की होनी चाहिए, प्लास्टिक एक्रिलिक ना हो बेहतर है। तो इसके अंदर आपका जाएगा सोप, सोप जाएगा इस पानी के अंदर ऐसे, और ये डबल बॉयल होगा, सोप मेल्ट होगा, एंड देन यू विल पोर। अब हम इसे पोर के हर किस्म करेंगे, हम इसको पोर करेंगे एक सोप मोल्ड में, जैसे कि ये। तो इस तरीके के मोल्ड आपके अमेजोन पे और बहुत ही खूबसूरत मोल्ड आपके मिलते हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, तो आप उसमें जाके भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाउडर्स की, और कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने परसेंटेज पे होनी चाहिए। देखिए, जो आपके पाउडर बेस फॉर्म्स में है, ये आपका अगर 100 बेस का सोप आप बना रहे हैं 100 ग्राम्स का, तो उसमें आपके 2 ग्राम्स ऑफ योर पाउडर बेस कैन बी एडेड, ठीक है। और उसमें आपका 1%, यानी कि 1 ग्राम आपका एसेंशियल ऑयल या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा, खुशबू के लिए या फिर एडेड बेनिफिट्स के लिए। इसमें एसेंशियल ऑयल में खुशबू भी होती है, प्लस इसमें बहुत सारे आपकी स्किन्स के लिए बेनिफिट भी होता है। लेकिन इसकी जो खुशबू है वो कुछ देर रुकेगी, कुछ देर रहती है, बट अगर बहुत लंबे टाइम तक सोप को आप रखते हैं तो फिर आपकी वो जो फ्रेग्रेंस है वो चली जाती है। इसलिए यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल। फ्रेग्रेंस ऑयल के वैसे तो स्किन पे कोई बेनिफिट्स नहीं है, बट एक भीनी भीनी प्यारी प्यारी खुशबू आपको हमेशा आपका सोप देता रहेगा। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग इस सोप को मेजर करेंगे। ये मेरे पास 450 ग्राम सोप है, रेड वाइन एंड पोमेग्रेनेट सोप। ये देखिए, रेड वाइन एंड पोमेग्रेनेट सोप। तो ये 450 ग्राम है, इसमें से 100 ग्राम हम कट करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, एंड देन वी विल डबल बॉयल इट। See you guys in a minute. Okay, so guys, ये हमने ले लिया है 100 ग्राम सोप, जो कि मैंने मेजर किया है अपने इस छोटे से डिवाइस से मेजरमेंट के लिए, एंड इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लिया ताकि ईजिली और इवनली ये मेल्ट हो जाए। ये आपका 100 ग्राम सोप है, सोप बेस। ये जो चीज़ है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, IPA। ये देखिए, ये गाइस जस्ट आपका डिटॉल की तरह काम करता है। आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए उनको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट
एक बार ये कर लीजिए एंड देन इसको एक बार हमने अच्छे से साफ कर लिया। मेरे हाथ धुले हुए हैं अच्छे से, तो मैं कोई ग्लव्स फिलहाल यूज नहीं कर रही हूँ, बट इफ यू वॉन्ट आप ग्लव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड देन यू गो एंड पुट योर सोप बेस इन दिस ग्लास। आप अपने इसको ऑन कर लेते हैं एंड वी विल कीप इट इन द लोएस्ट सेटिंग। सो मेरा जो लोएस्ट सेटिंग है दैट इज 300 और इसको हम मेल्ट होने के लिए इसमें रख देंगे। बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने मेजर करके करीब 2 ग्राम रोज पाउडर ये मैंने निकाल लिया है, तो 2 to 2.5 ग्राम्स जो है आपका हाफ टी स्पून के बराबर आपका निकलेगा, या हाफ टी स्पून से थोड़ा कम निकलेगा एक्चुअली। तो इस तरीके से आप मेजर करके अपना रोज़ पाउडर रख सकते हैं। अब इसके लिए मैं यूज़ क्या करने वाली हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ रोज़ एसेंशियल। तो ये मेरे पास रोज़ एसेंशियल ऑयल है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर फ्रेग्रेंस एंड फॉर एडेड बेनिफिट्स। गाइस धीरे धीरे हमारा सोप मेल्ट होने लगा है। आई एम स्टिरिंग इट कंटिन्यूसली, हिलाते रहिए इसको चम्मच से या जो भी आपका स्टिरिंग डिवाइस हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इट्स नॉट टू हॉट। तो ये देखिए सोप ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट पर है। तो ये जब पूरा लिक्विड नहीं हो जाता जब तक मेल्ट होके, तब तक हम इसको ऐसे ही धीरे धीरे स्टर करके मेल्ट करेंगे। इसको मेल्ट करते वक्त आप एक काम और कर सकते हैं, विच इज दिस इज रोज वाटर। ये मेरे पास रोज वाटर है, ये मैंने रोज वाटर ट्रांसफर कर लिया था अपने एक स्प्रे बॉटल में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हल्का सा इस रोज वाटर को इसके अंदर सोप के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो सोप है वो जल्दी से सूखेगा नहीं, आपका जो मेल्टेड सोप है वो जल्दी से सूखेगा नहीं। ये देखिए ऑलमोस्ट देयर। बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैंने जो लिया है रेड वाइन सोप पेस्ट लिया है जिसमें पोमेग्रेनेट पाउडर भी था। आप एक सिंपल सोप पेस्ट ले सकते हैं विच इज़ क्लियर ग्लीसरीन सोप पेस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लीसरीन रहता है और कुछ नहीं होता, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, कुछ नहीं होता उसमें। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे गोट मिल्क सोप पेस्ट है, चारकोल सोप पेस्ट है, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको अवेलेबल है मार्केट में। एक अच्छी क्वालिटी का सोप पेस्ट लीजिए एंड जस्ट डू द मैजिक। इसी तरह से हम बहुत सारी और जो चीज़ें हैं होम मेड चीज़ें जो बहुत नेचुरल है वो बनाना सिखाते हैं। तो डू स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर ये सोप पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा गाइस, एक चीज़ बहुत अच्छी सोप के बारे में और है, वो ये है कि बाकी और चीज़ों में आपके प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, लेकिन अगर आपका सोप सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आगे चल के फंगस में कन्वर्ट ना हो या प्रॉब्लम ना दे, तो उस केस में आपको किसी भी तरीके का इसमें प्रेजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज प्रेजर्वेटिव फ्री सोप।
with added benefits. Okay guys, so almost after 7 minutes ये soap बिल्कुल liquid में convert हो चुका है. Just wipe it off. Let दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, this is total liquid. ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं. अब इसमें quickly हम लोग इस रोज पाउडर को मिला लेते हैं and we'll just add some rose essential oil in it और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ इसे कोट करना है. इट्स वेरी वेरी इजी. पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है गया एंड देन वी जस्ट काइंड ऑफ गो दिस वे. सो दिस is basically our soap. And last but not least, जो ये soap bubbles हैं इनको हटाने के लिए we'll just pour some IP on top of it. ये जो bubbles हैं वो settle down हो जाएंगे. So that was really easy guys. Didn't take much of time. So इंग्रीडियंट्स आपको टुगेदर सब कुछ रखने में और सब चीज़ें मेजर वेजर करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अराउंड 7 to 10 minutes आपको इसको मेल्ट करने में लगा है. ये आपका सेट हो जाएगा. आफ्टर से 2 hours आप इसको, उससे पहले हिलाइएगा मत, 2 घंटे बाद आप इसको डी मोल्ड कर सकते हैं. डी मोल्ड मतलब इस मोल्ड से बाहर इस साबुन को निकाल सकते हैं. And then keep it overnight. एक पूरी दिन या पूरी रात आप इसको रखिए और next day से आप इसको use कर सकते हैं. So that was your rose soap, जो कि एक red wine plus pomegranate powder के base पे बनाया गया है. I hope you guys enjoyed this process. आप लोग ज़रूर try करिएगा. मैं जितने भी ingredients हैं सबकी details और उनका link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूंगी. तो आपको अगर वहां से खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी हो, या देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस, आप कहीं से भी इन सब चीज़ों को ले सकते हैं. ओके गाइस, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू डीमोल्ड आवर सोप. तो अब हम इसकी डीमोल्डिंग स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी कि कैसा नज़र आता है. सो दिस इज आवर rose soap. ये देखिए, ये है हमारा rose soap. ये थोड़ा सा डार्क है, एक्चुअली कैमरे में इसको ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है. और ये कलेजी कलर का सोप है और शेप देखिए इसका, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड. तो जैसा आपका मोल्ड होगा वैसा आपका सोप नज़र आएगा. इस वाले मोल्ड में मैंने प्योरली वाइन सोप बनाया था पहले, वो मैं आपको इतना से दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द वाइन सोप. इसका कलर इतना डार्क इसलिए है क्योंकि हमने इसमें रोज़ ऑयल डाला था, सॉरी रोज़ पाउडर डाला था. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ शेप्ड. और इसमें हमने, क्योंकि कुछ नहीं डाला था, हमने सिर्फ कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाले थे. एंड लुक एट द शेप ऑफ दिस वन. तो ये आपके 2 साबुन हैं, रोज सोप एंड योर वाइन सोप. सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट करिएगा और शेयर करिएगा इन वीडियोज़ को. ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको DIYs बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएंगे जो आपके लिए वाकई काम करेगी और जो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल होगी विदाउट एनी हार्म. तो हमारे इस प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हम जल्द ही वापस आएंगे आपके पास
नए आइडियाज़ और नए तरीके लेके, नए प्रोडक्ट्स लेके। थैंक यू सो मच।